चलना है। मतलब मेरी कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, वो थोड़ी सरपास हो गई और एक ठीक ठाक फिल्म है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छी फिल्म है या देखने वाली है, लेकिन एक ठीक ठाक फिल्म है। कॉमेडी थी, थोड़ा फन था, थोड़ा ह्यूमर भी अच्छा था, स्टोरी भी ठीक ठाक थी, अच्छी लगी ओवरऑल। काम कैसा लगा? एक्चुअली नवाज को बहुत से इंटेंस रोल में लोगों ने बहुत पसंद किया है, लेकिन मैं उसे अंडर रेटेड मान रहा हूँ एज एन एक्टर जब ये कॉमेडी पे आता है, बिकॉज उसकी बजरंगी भाईजान या रईस वगैरह में हम लोग उसके कॉमेडी पे हंसे हैं, बट वहाँ पे वो साइड एक्टर था, यहाँ पे उसे मेन लीड रोल मिला और बहुत हंसाता है। आई लाइक हिम इन दिस काइंड ऑफ रोल। अतिया शेट्टी का मुझे मतलब एक सॉबर रोल है, उन्होंने ठीक ठाक किया है, इतना कुछ ज़्यादा था नहीं उसमें कॉम्प्लेक्सेस वगैरह, तो ठीक ठाक है उनकी एक्टिंग। एक्चुअली डिपेंड्स, बिकॉज सामने भी दो फिल्में हैं, उन लोग पे भी डिपेंड करता है। अभी झलकी नाम की कोई फिल्म है, बट आई थिंक वो इतनी कमर्शियल है नहीं। मरजावा उसके सामने कमर्शियल है, बस अभी उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी चल रही है। अगर वो टोटली रिजेक्टेड हो जाती है तो इस फिल्म का चांस है, बिकॉज पहले से ही बाला रनिंग है और वो मतलब सेकेंड वीक में भी बहुत करेगी। 2.5। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो चले जाओ, अगर ऐसा रिकमेंडेशन से जाना है तो फिर नहीं। या बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है, नवाज़ का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और सिर्फ उनके लिए फ़िल्म देखी है, पर फिल्म की पूरी स्टारकार ज़बरदस्त है, सबने अच्छा काम किया है और नवाज़ भाई कभी भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकते, तो इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म फ्रॉम माय साइड। या स्टोरी बॉक्स ऑफिस का तो पता नहीं, पर हाँ जिसको अगर अच्छी फिल्म देखनी है, कोई मैसेज वगैरह चाहिए, तो हाँ ये फिल्म उनके लिए ज़रूर है। बॉक्स ऑफिस की मैं सोच भी नहीं रहा हूँ, जब हम ऐसे टाइप की छोटी फिल्म देखते हैं, ये देख के मेरे को थोड़ा बहुत शादी में ज़रूर आना जैसा लग गया, वो फिल्म भी ज़बरदस्त थी और ये भी एक बहुत ज़बरदस्त फिल्म है। केमिस्ट्री मतलब कुछ नया था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी अच्छी रहेगी, मेरे एक्सपेक्टेशन वैसे लो थे, पर हाँ वो दोनों खरे उतरे एक्सपेक्टेशन पे, तो यस 3.5 फ्रॉम माय साइड। या आई विल रेकमेंड दिस, बस उस इतना एंटरटेनमेंट जो हम देखते हैं ज़्यादा कमर्शियल, वरुण धवन या कार्तिक आर्यन के फिल्म से उतना कमर्शियल एलिमेंट नहीं है, पर हाँ अगर आपको एक सिंपल स्टोरी देखनी है एक ज़बरदस्त मैसेज के साथ, तो या दिस वन इज़ फॉर यू। अच्छी लगी है मुझे फिल्म, जिस तरीके से कॉमेडी, कैसी लगी फिल्म मोदी जी चक्कर? मुझे अच्छी लगी है फिल्म, जो एक्सपेक्टेशन था नवाजुद्दीन से उस एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरे हैं, फ़नी है, मज़ेदार है, मुझे बहुत अच्छी लगी है फिल्म। स्टोरी कैसी लगी? हाँ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी लोगों को, क्योंकि हल्की फुल्की जो स्टोरी है, अगर आपको फैमिली ड्रामे अगर पसंद आते हैं तो आपको इस तरीके की फिल्म बहुत हल्की फुल्की है, ना कुछ झंझट है ना कुछ नहीं है, अच्छे वे में पोर्ट्रे किया गया है, तो बहुत मज़ेदार लगने वाली है फैंस को भी। आतिया शेट्टी और नवाजुद्दीन की कॉमेडी में तो कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता, ये तो सब जानते हैं, लेकिन अगर मैं आतिया की बात करूँ तो उनसे एक्सपेक्टेशन इतना ज़्यादा नहीं था कि वो इतने अच्छे से अपने आप को पोर्ट्रे कर पाएंगी, लेकिन इस फिल्म में जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही मज़ेदार है। 3.5। हाँ जी, एक बार तो जाके ये फिल्म देखना ही चाहिए आपको। इट्स अ लाइट फैमिली एंटरटेनर, एवरीवन शुड गो एंड वॉच इट। अच्छा, काम कैसा लगा सबका, और स्पेशली आतिया शेट्टी और नवाजुद्दीन की जोड़ी कैसी? नवाजुद्दीन सिद्दीकी डिफरेंट रोल में है बट वेरी नाइस, उनका एक और कैरेक्टर सामने आया है देखने को, विच इज़ वेरी गुड। तो लगता है स्टोरी में दम है, चलेगी वापस? मम्मी पापा भाई बहन सब मिलके ये मूवी देखनी चाहिए, ऐसी मूवी है ये। अच्छा, तो 5 में से कितना देना चाहिए? 4। रेकमेंड करेंगे लोग? श्योर। कैसी लगी मोतीचूर चकना? मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब थोड़ा रियलिटी लगी, एक फैमिली स्टोरी थी, लाइट मूवी थी, कॉमेडी थी और मासूमियत थी बोलेंगे तो। स्टोरी में दम क्या लगता है आपको? मतलब स्टोरी तो थोड़ी मतलब ऐसी कोई बहुत नई चीज़ नहीं थी, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। स्टोरी को प्रेजेंट करना सबसे बड़ी बात होती है, तो जो प्रेजेंटेशन था ना वो बहुत ही अच्छा था, एक एक चीज़ को बारीकी से किया है और पिक्चर का हर एक किरदार मतलब सबने अच्छी एक्टिंग की है। आपको लगता है? हाँ चलेगी। लाइट मूवी, लाइक जैसे वो थी ना नीना गुप्ता वाली, हल्की मूवी थी, लाइट मूवी थी, मतलब इवन आतिया शेट्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, न्यू हीरोइन है, सेकंड फिल्म है, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। 5 में से 3.5। हाँ हाँ ऑफकोर्स, इतने एकदम साफ सुथरी पिक्चर है, घरेलू पिक्चर है, तो ज़रूर देखना चाहिए। अच्छी लगी,
अच्छी लगी है, बहुत ही स्लाइस ऑफ लाइफ है, फैमिली ओरिएंटेड है, इमोशनल है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें, काफ़ी बहुत सारे पहलुओं को इसमें समेटा गया है। तो लगता है स्टोरी में दम है? बिल्कुल, कहानी में दम है। बस थोड़ा सा फर्स्ट हाफ जो है वो थोड़ा स्लो लगा मुझे, लेकिन जितने सीक्वेंसेस थे वो बहुत अच्छे लगे। और नवाज़ तो सभी जानते हैं कि बहुत ही समर्थ अभिनेता हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया है वो है आथिया ने। आथिया ने बहुत अच्छा काम किया, और अपनी पूरी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो पूरा जो रोल था वो दोनों के कंधों पर था, और दोनों मतलब एक दूसरे के लिए काफ़ी कॉम्प्लीमेंट किया है दोनों ने एक दूसरे को। आप लोगों को रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल, मैं कहूँगी कि एक फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है, इमोशन है, बिल्कुल ये फैमिली के साथ में देखी जा सकती है।